हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी विल डू सीएसएस पैडिंग। सो व्हाट इज सीएसएस पैडिंग? सीएसएस पैडिंग क्या होता है? हमने पैडिंग कहाँ किया था? एचटीएमएल में भी किया था। ओके, सो पैडिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट कंटेंट एंड द एलिमेंट बॉर्डर। तो ये क्या होता है? ये एलिमेंट किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के कंटेंट और उस एलिमेंट के बॉर्डर के बीच के डिस्टेंस को, बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? पैडिंग। ओके, जैसे हम टेबल करते थे, ये जो हम पैडिंग जो आपने वर्ड है वो कहाँ सुना था? जब हमने एचटीएमएल टेबल्स की थी, राइट? तो उसमें क्या होता था? सेल पैडिंग। तो जो सेल होता था पर्टिकुलर टेबल का, ठीक है, उसके सेल के कंटेंट और सेल की फोर वॉल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता था, ठीक है, उसको हम बोलते थे पैडिंग, राइट? तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सीएसएस में हम पैडिंग को कैसे यूज करेंगे? फाइन, ओके। अब ये मार्जिन से कैसे डिफरेंस, मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस है? मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इज द स्पेस अराउंड द एलिमेंट, ठीक है। मार्जिन क्या होता है? एलिमेंट के सराउंडिंग का स्पेस, मतलब कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर, ठीक है, टॉप का उसके टॉप का स्पेस, बॉटम का स्पेस, लेफ्ट स्पेस, राइट स्पेस, वो क्या होता है? मार्जिन। ओके, एंड पैडिंग क्या होता है? एलिमेंट के बॉर्डर और एलिमेंट के कंटेंट के बीच का स्पेस, जो एलिमेंट के अंदर होता है। फाइन, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, डॉक टाइप, सो डेट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज सी एस एस पैडिंग। फाइन, डॉक टाइप क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप एच टी एम एल। यहाँ पे हमने बताया कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है हमारा, एच टी एम एल, देन एच टी एम एल टैग, ओके, हेड, स्टाइल। तो ये कौन सी सी एस एस यूज कर रहे हैं हम? इंटरनल सी एस एस यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लेंगे डिप टैग। डिप क्या होता है? कंटेनर टैग है, इससे हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका बॉर्डर हमने ले लिया 1 पिक्सल। ओके, सॉलिड, मतलब उसकी जो बॉर्डर की आउटलाइन है वो क्या हो? सॉलिड हो, और कलर हो ब्लैक या कोई भी कलर आप ले सकते हो, ब्लैक, राइट? देन बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया इसका पिंक। फाइन, ओके। अब क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स, ठीक है, और जो कंटेनर होता है उसको कंटेन कर रहा है, ठीक है, एलिमेंट का कंटेनर, ओके ओके, या यू कैन से एलिमेंट का बॉर्डर, उसके बीच का जो स्पेस है वो पैडिंग के थ्रू देंगे। तो हम अलग अलग देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पैडिंग टॉप टॉप पैडिंग दी है यहाँ पर 50 पिक्सल। फाइन, देन आपने पैडिंग दी, पैडिंग राइट, राइट पैडिंग आपने दे दी 30 पिक्सल। ओके, देन अभी हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग पैडिंग दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्पेस दे रहे हैं। बॉटम पैडिंग, बॉटम आपने दे दिया अगेन 50 पिक्सल। ओके, तो आपने क्या किया है, टॉप पे दिया है 50 पिक्सल और बॉटम पे आपने दे दिया है 50 50 पिक्सल, राइट? अब पैडिंग लेफ्ट 80 पिक्सल। ओके, नाउ स्टाइल क्लोज एंड देन हेड क्लोज, बॉडी स्टार्टेड। अब बॉडी में हम अपना कंटेंट लिखेंगे, H1 हेडिंग दे देते हैं, यूजिंग इंडिविजुअल पैडिंग प्रॉपर्टीज। फाइन, नाउ अब हम अपना डिप टैग, जो हमारा डिप टैग है, कंटेनर टैग है, उसका एलिमेंट लिखेंगे, मतलब उसके अंदर क्या कंटेंट लिखना है। दिस डिप एलिमेंट हैज अ टॉप पैडिंग ऑफ
pixel, okay, a right padding of 30 pixel, a bottom padding of 50 pixel, and a left padding of 80 pixel. Fine, ये हमारा div tag का क्या है, content है. Okay, now body close and your HTML close. Fine, इसको हम सेव कर लेते हैं. Control S, sorry, Control S. Fine, save as में name दे देते हैं padding, padding dot html. Okay, तो ये हमने क्या किया, इसको सेव कर लिया. अब इसको ओपन, ओके, ये हमारी पैडिंग फाइल आ गई है. इसको हम ओपन विद गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं. फाइन, इट इज लोडिंग. आ रही है आपकी फाइल, लोड हो रही है. देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया था, बॉर्डर हमने दिया था 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, राइट. बैकग्राउंड कलर आपने दिया था पिंक. फाइन, पैडिंग टॉप, टॉप की पैडिंग कितनी थी आपकी, 50 पिक्सल. तो देखो ये जो ये जो हमारा कंटेनर है, डिव कंटेनर है, उसमें क्या है, जो कंटेंट और कंटेंट के बॉर्डर, एलिमेंट और एलिमेंट के बॉर्डर के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये 50 पिक्सल का है. राइट, आपकी पैडिंग क्या है, 30 पिक्सल. ओके, एंड पैडिंग बॉटम इज 50 पिक्सल. एक्चुअली हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है, अदरवाइज पैडिंग यहाँ की कितनी है, 50 पिक्सल. अगर हम इसको और वो करते तो नेक्स्ट लाइन में चला जाता. फाइन, आर यू गेटिंग. ये ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा कंटेंट यहाँ फिनिश हो गया है. अगर कंटेंट ज्यादा होता तो ये 30 पिक्सल का यहाँ पे स्पेस आता और जो कंटेंट का रेस्ट ऑफ द पार्ट होता वो नीचे चला जाता, ठीक है. अच्छा, बॉटम हमारी क्या है, 50 पिक्सल, और जो लेफ्ट पैडिंग है वो हमारी है 80 पिक्सल. फाइन, सो हियर वी हैव डन इंडिविजुअल पैडिंग. हमने क्या किया है, अलग अलग जो वो है साइड्स, उनको अलग अलग पैडिंग दी है. फाइन, ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब हम यूज करेंगे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का. शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होता है, आपके कोड को शॉर्ट करने के लिए. तो यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है पैडिंग की, ठीक है, वो क्या है, पैडिंग प्रॉपर्टी है. ओके, यहाँ पे देखो पैडिंग का आप यूज करोगे पैडिंग. ओके, अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है टॉप राइट बॉटम, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्या दिया है, पैडिंग प्रॉपर्टी दी है. और आप यहाँ पे दे दोगे वैल्यूज, ठीक है, 25 पिक्सल, देन 50 पिक्सल, ओके, देन 75 पिक्सल, देन 100 पिक्सल, राइट. तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा जो कोड था वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, राइट. तो देखो अब यहाँ पे क्या है, जो मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, जो आपकी टॉप पैडिंग है, ठीक है, टॉप पैडिंग वो क्या आ जाएगी, 25 पिक्सल, जो सबसे पहली वैल्यू है वो क्या, वो किस पे अप्लाई होगी, टॉप पैडिंग. फाइन, ओके, जो सेकेंड आपकी वैल्यू है 50 पिक्सल, ओके, वो कहाँ अप्लाई होगी, राइट पैडिंग, इट विल बिकम राइट पैडिंग, ठीक है, ठीक है. तो जो फर्स्ट था वैल्यू वो किसके लिए थी, टॉप पैडिंग के लिए, सेकंड वैल्यू किसके लिए है, राइट पैडिंग के लिए. फाइन, और जो थर्ड वैल्यू है 75 पिक्सल, ओके, वो किसके लिए है, बॉटम पैडिंग के लिए. तो यहाँ पे हम 75 लिख देते हैं, 75 पिक्सल किसके लिए है, बॉटम पैडिंग के लिए. देन आपकी जो 100 पिक्सल है वो किसके लिए है, वो आपकी है लेफ्ट पैडिंग के लिए. फाइन, तो हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के यूज से क्या किया है, ऑल पैडिंग्स वी हैव गिवन एट वन टाइम, हमने एक साथ सारी पैडिंग्स दे दी हैं. फाइन, इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, हमारी फाइल सेम है, इसको रिफ्रेश कर लेंगे. ओके, रिफ्रेश. फाइन, तो देखो ये स्लाइड डिफरेंस आया रिफ्रेश करने पे, राइट, क्योंकि जो अपर पैडिंग थी टॉप की वो कम हो गई है,
ठीक है, यहाँ पे 25 पिक्सल हो गई है टॉप की पैडिंग, राइट पैडिंग आपकी है 50 पिक्सल, बॉटम देखो इंक्रीज हो गई है 75 पिक्सल, एंड देन हेयर लेफ्ट इज ऑल्सो इंक्रीज 100 पिक्सल। ओके, तो दिस इज योर शॉर्ट एंड पैडिंग प्रॉपर्टी, फाइन। ओके, अब अगर हम यहाँ पे 4 वैल्यूज की जगह क्या करते हैं, सिर्फ 3 वैल्यूज को यूज करते हैं, फाइन। तो ये जो 3 वैल्यूज है वो वहां कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, तो यहाँ पे जो आपकी टॉप पैडिंग है वो 25 पिक्सल रहेगी, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट पैडिंग क्या हो जाएगी, 50, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट पैडिंग 50 एंड राइट पैडिंग, सॉरी, यहाँ पे राइट पैडिंग एज वेल एज लेफ्ट पैडिंग विल बिकम 50 50। तो क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसके लिए है, वो टॉप पैडिंग के लिए है, सेकंड वैल्यू यहाँ पे अप्लाई होगी राइट पैडिंग के लिए एंड लेफ्ट पैडिंग के लिए, ओके, एंड बॉटम पैडिंग आपका क्या है 75 पिक्सल। ओके, तो अगर आपने पैडिंग प्रॉपर्टी से 3 वैल्यू ली है तो उसका रिजल्ट ये होगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, फाइन। ओके, एंड वी विल सी द रिजल्ट, तो रिफ्रेश कर लो बिकॉज वी आर हैविंग द सेम फाइल। देखो यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस आया है, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो टॉप पैडिंग है वो 25 पिक्सल है, ओके, राइट सॉरी लेफ्ट एंड राइट आपकी क्या है, आपकी है 50 पिक्सल, एंड बॉटम है आपका 75 पिक्सल। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस कि ये तो छोटा सा डिस्टेंस है और यहाँ पे इतना बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो यहीं पे फिनिश हो जाता है, अगर एलिमेंट कंटिन्यू करता टिल द एंड तो क्या होता है, ये यहाँ पे 50 पिक्सल का स्पेस आ जाता और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट होता है वो नीचे चला जाता। ओके, तो यहाँ पे व्हाट वी हैव डन, वी हैव यूज्ड 3 वैल्यूज विद द पैडिंग प्रॉपर्टी, फाइन। ओके, अब अगर हम क्या करते हैं, 2 3 वैल्यूज की जगह सिर्फ हम दे देते हैं 2 वैल्यूज, फाइन, 25 पिक्सल एंड 50 पिक्सल, तो ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप एंड बॉटम हो जाएगा हमारा 25 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम, बॉटम हमारा क्या हो जाएगा 25 पिक्सल, जो फर्स्ट वैल्यू है वो किस पे अप्लाई करेगी, टॉप एंड बॉटम पे, ओके, एंड सेकंड वैल्यू 50 पिक्सल वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, लेफ्ट एंड राइट पैडिंग पे, राइट, ओके, लेफ्ट पैडिंग एंड राइट पैडिंग, फाइन, समझ में आ गया। जो फर्स्ट आपकी वैल्यू है 25 पिक्सल, ये अप्लाई होगी टॉप एंड बॉटम पैडिंग के लिए, एंड 50 पिक्सल आपका अप्लाई होगा लेफ्ट एंड राइट पैडिंग के लिए, फाइन। ओके, नाउ वी विल सेव इट और इसको करते हैं रिफ्रेश, फाइन। अब यहाँ पे देखो आपका क्या है, टॉप एंड बॉटम आपका कितना हो गया 25 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड राइट आपका क्या है 50 पिक्सल, फाइन। ओके, अब अगर आप पैडिंग में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को यूज करें तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि आपका टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट सेम वैल्यू, सेम पैडिंग वैल्यू यूज होगी, दैट इज 25 पिक्सल, एवरीवेयर यू विल हैव 25 पिक्सल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट चारों जो आपके स्पेसेस हैं वो कितने होंगे, 25 पिक्सल के स्पेसेस होंगे, फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पैडिंग 25 पिक्सल, राइट, तो सेव कर लो, कंट्रोल एस, देन रिफ्रेश इट, रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पे देखो टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट जो पैडिंग है वो क्या है, 25 पिक्सल है। ओके,